भक्षानर भी डरावनी कराह के साथ चीख पड़ता है। आह! भक्षानर के इसी दर्द से कराती हुई आवाज के साथ कामेश्वरी यक्षिणी अपने अतीत की यादों से बाहर निकल जाती है। इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी बंगला मुड़ा घाट पर खड़ी हुई है और युग और यामिनी को बता चुकी है कि किस तरह से उसे ना चाहते हुए भी अनुराग को मारना पड़ा था, किस तरह हालातों ने उसे अनुराग को मारने के लिए मजबूर कर दिया था। यामिनी नम लहजे के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहती है, माँ। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी की बात का कुछ जवाब ही नहीं देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खोई हुई हो। उसके कानों में तो अभी भी अनुराग की दर्द से कराहती हुई आवाज गूंज रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने अनुराग का चेहरा आ रहा था जो उसे बार बार खुद को मारने के लिए कह रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी मूर्ति बनकर खड़ी हुई है, जैसे वो वहाँ पर मौजूद होकर भी वहाँ पर ना हो। उसका मन कहीं और ही था। वो आज तक अनुराग की मौत को भुला नहीं पाई थी। वो मंजर उसकी जिंदगी का आज तक का सबसे खौफनाक मंजर था। यामिनी के एक दो बार आवाज देने के बाद भी जब कामेश्वरी यक्षिणी नहीं सुनती है तो यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी को हिलाते हुए कहती है, माँ आप ठीक तो है ना। कामेश्वरी यक्षिणी होश संभालते हुए यामिनी से कहती है, हाँ यामिनी बेटी मैं ठीक हूँ। युग खामोशी के साथ खड़ा हुआ था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कामेश्वरी यक्षिणी से बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर कामेश्वरी यक्षिणी का दर्द देखकर वो भी चुप रहने पर मजबूर हो गया था। युग भले ही खामोशी के साथ खड़ा हुआ था पर यामिनी के मन में भी इस वक्त कई सारे सवाल चल रहे थे। कुछ ऐसे सवाल जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, जिसे पूछे बिना उसके मन को चैन नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो अगले ही पल कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ती है, माँ अगर आपने अनुराग अंकल को बहुत पहले ही खुद अपने हाथों से मारा था, वो भी अमावस्या की रात, तो फिर आपको अभिशाप से मुक्ति क्यों नहीं मिली? आपको तो उसी रात मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को अच्छे से समझाते हुए कहती है, तुम्हें पता है यामिनी बेटी कि तुम और मैं हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को शिकार क्यों करते हैं? यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, अभिशाप के कारण, वो अभिशाप जो महाडायन ने आपको दिया था। कामेश्वरी यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा यामिनी बेटी। तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि महाडायन का अभिशाप का असर अमावस्या और पूर्णिमा की रात कब खत्म होता है। यामिनी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जब हम अपने शिकार के दिल का भोग महाडायन को चढ़ाते हैं, उसके दिल को कच्चा चबा जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी फिर यामिनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, तुमने फिर बिल्कुल सही कहा यामिनी बेटी, अमावस्या पूर्णिमा की रात ही हम पर अभिशाप हावी होता है। उसके असर को खत्म करने के लिए हमें अपने शिकार के दिल का भोग लगाना पड़ता है। शिकार करने के बाद भोग पूजा करनी पड़ती है, जिसका भोग सीधे महाडायन को लगता है। पर उस रात लेखक बाबू को मारने के बाद मैं न पूजा कर पाई न उनके दिल का भोग लगा पाई महाडायन को, जिस कारण लेखक बाबू को मारने के बाद भी वो अभिशाप खत्म नहीं हुआ। यामिनी तुरंत पूछ पड़ती है, पर आपने ही तो कहा था कि आपने लेखक बाबू का दिल एक झटके में निकाल लिया था, फिर आपने उनके दिल का भोग महाडायन को क्यों नहीं लगाया? जैसे ही यामिनी ये सवाल पूछती है, इसी सवाल के साथ कामेश्वरी यक्षिणी वापस से अपने अतीत की यादों में चली जाती है। ठीक उस पल में जब वो रूम नंबर 666 के अंदर थी और उसने अनुराग को मार दिया था। इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी के हाथों में अनुराग का दिल था, जो उसने अभी अभी अनुराग के सीने के अंदर से निकाला ही था। अनुराग उसके सामने दर्द से कराह रहा था। उसके सीने से खून का रिसाव होते जा रहा था, जिस कारण उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। कामेश्वरी यक्षिणी के हाथ खून से सने हुए थे। अनुराग और भक्षानर के कराहने की आवाज अभी भी कमरे के अंदर गूंजे जा रही थी। जब कामेश्वरी यक्षिणी की नजर अनुराग के दिल पर पड़ती है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने। अनुराग दर्द से करा ही रहा था कि अगले ही पल उसकी आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती है और वो भक्षानर की आवाज में कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, यक्षिणी यक्षिणी। इतना कहकर अनुराग भक्षानर की आवाज में कसकस कर हंसने लग जाता है। ये देखकर कामेश्वरी यक्षिणी को गुस्सा आने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ अनुराग को घूरते हुए कहती है, भक्षानर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपना दूसरा हाथ अनुराग के शरीर के अंदर घुसाती है और तलवार की तरह अपने हाथ उसके शरीर के अंदर यहाँ वहाँ चलाने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ तलवार से भी धारदार हो गया था। उसका पूरा हाथ अनुराग के खून से सन चुका था। अगले ही पल अनुराग के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होने लग जाते हैं
और एक साथ ही उसका पूरा शरीर छोटे टुकड़ों में बटकर फर्श पर बिखर जाता है। कमरे के अंदर चारों तरफ खून बिखर जाता है जो बहते हुए दरवाजे के नीचे से बाहर निकलने लग जाता है। बस अनुराग का एक सिर ही था जो सही सलामत था, बाकी उसका पूरा शरीर कामेश्वरी यक्षिणी ने गुस्से की आग में काट कर रख दिया था। जब कामेश्वरी यक्षिणी की नजर अनुराग के कटे हुए सिर पर पड़ती है तो उसका मन ग्लानी से भर जाता है। उसे अनुराग की याद आने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी आहिस्ते से नीचे बैठती है। उसने अपने हाथ में अनुराग का जो दिल पकड़ कर रखा हुआ था उसे नीचे रखती है और अनुराग के सिर को उठा लेती है। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के माथे को चूमते हुए रोते हुए कहती है, लेखक बाबू, मेरे लेखक बाबू, ये आपने मेरे हाथों से क्या करा दिया लेखक बाबू, इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। लेखक बाबू पुकारते हुए कामेश्वरी यक्षिणी रोने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी रो ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में अनुराग ने जाते वक्त उससे जो बातें कही थी वो घूमने लग जाती है। उसे याद आता है कि अनुराग ने उससे कहा था कि वो उसे मारकर अपने लोक वापस लौट जाए, यहाँ पर ना रहे। कामेश्वरी यक्षिणी अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहती है, अब आप यहाँ पर नहीं रहे तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी लेखक बाबू, मैं आपकी कुर्बानी को यूं ही जाया नहीं होने दूंगी। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए मन में सोचती है, मुझे लेखक बाबू के दिल का भोग महाडायन को लगाना पड़ेगा, भोग पूजा करनी पड़ेगी, उसी के बाद मुझे अपने अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के सिर को वापस से नीचे रख देती है। अनुराग का दिल जो कामेश्वरी यक्षिणी ने नीचे ही रख दिया था उसे उठाने के लिए वो अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। तभी वो देखती है कि अनुराग का दिल वहाँ पर रखा हुआ नहीं था जहाँ पर पहले उसने रखा था। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ खुद से कहती है, लेखक बाबू का दिल कहाँ पर चला गया, उसे मैंने यहीं पर तो रखा हुआ था। फर्श पर फैले हुए अनुराग के कटे हुए शरीर के टुकड़ों के बीच में ही कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग का दिल ढूंढने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी एक ही नजर में सारा फर्श छान मारती है पर उसे कहीं पर भी अनुराग का दिल नजर नहीं आता है जो उसने अपने हाथों से उसके सीने के अंदर से निकाला था। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग का दिल ढूंढते हुए खुद से कहती है, कहाँ गया लेखक बाबू का दिल, वो यहीं पर तो था। कामेश्वरी यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, वो मेरे पास है यक्षिणी। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी के कानों तक ये आवाज पहुंचती है वो इस आवाज को सुनकर शॉक्ड रह जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, भक्षानर को तो मैंने मार दिया था, फिर ये किसकी आवाज है। आदमी की फिर भारी आवाज सुनाई देती है, ये मेरी आवाज है यक्षिणी, तूने मुझे नहीं पहचाना। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि कामेश्वरी यक्षिणी के पीछे से आई थी। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत पीछे मुड़ जाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे ढेर सारा काला धुआं फैला हुआ था, इतना सारा धुआं कि कामेश्वरी यक्षिणी को धुएं के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, इतना सारा धुआं यहाँ पर कैसे। अगले ही पल उस धुएं में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, वो धुआं एक आकार लेने लग जाता है। देखते ही देखते वो धुआं एक आदमी के शरीर का आकार ले लेता है। उस आदमी का शरीर पूरी तरह धुएं से बना हुआ था, बस उसकी दो पीली आंखें नजर आ रही थी। वो पीली आंखें देखकर ही कामेश्वरी यक्षिणी पहचान गई थी कि उसके सामने इस वक्त कौन मौजूद था। कामेश्वरी यक्षिणी उन दोनों आंखों को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, भक्षानर। वो काला साया डरावनी आवाज में हंसते हुए कहता है, आखिरकार तूने मुझे पहचान ही लिया यक्षिणी, इसे कहते हैं प्रेम, रूप ना हुआ तो क्या हुआ, मेरी बस आंखों से ही तूने मुझे पहचान लिया। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ घबराते हुए कहती है, मैंने तो तुझे मार दिया था भक्षानर, फिर तू कैसे। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही भक्षानर खुद बोल पड़ता है, तूने मुझे कहां मारा यक्षिणी, तूने तो खुद अपने हाथों से अपने प्रेमी को मारा है, तूने अनुराग का अंत किया है ना कि मेरा, मेरा अंत अनंत है। कामेश्वरी यक्षिणी चुप ही खड़ी रहती है, उसके कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। भक्षानर फिर बोल पड़ता है, तुझे और उस अनुराग को क्या लगा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे इतनी आसानी से मार दोगे, अनुराग के शरीर में रहकर मैं तो पहले ही अपना एक शरीर तैयार करने लग गया था जो मैंने किसी और चीज से नहीं बल्कि धुएं से बनाया है जो अनुराग अपने शरीर के अंदर खींचा करता था। कैसा लगा तुझे मेरा ये रूप मेरी यक्षिणी।
कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, अच्छा हुआ भक्षानर जो तूने एक रूप ले लिया, अब तेरे इस रूप का अंत करने में बहुत मजा आएगा। पहले तू लेखक बाबू के शरीर के अंदर था, इसलिए बस तेरे शरीर के टुकड़े करना चाहती थी, पर अब तेरे इस रूप का मैं वो हाल करूंगी कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। भक्षानर हंसते हुए कहता है, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तू बस देख भक्षानर मैं तेरा क्या करती हूँ। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाती है, मुट्ठी बंद करती है और मंत्र पढ़ने लग जाती है। देखते ही देखते उसके हाथ से हरी रोशनी निकलने लग जाती है। जब वो अपना हाथ खोलती है तो उसके हाथ में कुछ और नहीं बल्कि हरा हीरा था, डायन समुदाय का हीरा। जब भक्षानर की नजर उस हीरे पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो डर से कांपने लग जाता है। भक्षानर हिचकिचाहट के साथ कहता है, ये हीरा तेरे पास कहां से आया यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे याद नहीं तू ये हीरा कहां पर रखता था? भक्षानर घबराते हुए कहता है, ये हीरा तो मैं हमेशा अपने पास ही रखा करता था, अपने बदन से लगाकर। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, पर अपनी वासना मिटाने के लिए तेरा बदन मेरे बदन के पास भी तो आता था ना भक्षानर, जब कल रात तू बिस्तर पर वासना से मेरे साथ लिपटा हुआ था उसी वक्त मैंने ये हीरा ले लिया था और तुझे पता भी नहीं चला क्योंकि तू इतना ज्यादा उसमें खो गया था। भक्षानर बौखलाहट के साथ कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया यक्षिणी, मेरा हीरा वापस दे दे। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, ये हीरा मैं तुझे जरूर वापस करूंगी भक्षानर, पर तेरा अंत करने के बाद। भक्षानर इतना ज्यादा डर जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता है। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ फिर बोल पड़ती है, मैं इस डायन समुदाय के हीरे की मदद से अपनी डायन की शक्ति को बढ़ाऊंगी और तेरा अंत कर दूंगी भक्षानर। वो हीरा जिसमें तेरे अंश ने सदियों तक पनाह ली थी, अब वही तेरा अंत करेगा। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र का जाप करने लग जाती है। वो मंत्र तो पढ़ती है पर उसका उस हीरे पर कुछ असर ही नहीं होता है। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, ये क्या हो रहा है, मैंने मंत्र पढ़ तो दिया है फिर हीरे की शक्ति मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर एक बार कोशिश करती है पर फिर वही होता है, हीरे की शक्ति उसका साथ ही नहीं दे रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी बार बार मंत्र का जाप करते रहती है और अब तो जाप करते करते वो खुद थकने लग गई थी। जहां एक तरफ कामेश्वरी यक्षिणी की उम्मीद टूटते जा रही थी वहीं दूसरी तरफ भक्षानर का डर गायब होते जा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। भक्षानर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ यक्षिणी, मेरा अंत करना, मैं कब से मेरे अंत का इंतजार कर रहा हूँ पर तू है कि कुछ कर ही नहीं रही है। कामेश्वरी फिर मंत्र पढ़ती है पर कुछ नहीं होता है। भक्षानर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये हीरा लेकर भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती यक्षिणी, जानती है क्यों? कामेश्वरी भक्षानर की तरफ देखने लग जाती है पर कहती कुछ नहीं है। भक्षानर खुद ही बोल पड़ता है, क्योंकि इस हीरे की शक्ति पर अब बस मेरा हक है, ये हीरा मेरा हो चुका है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, नहीं ये तेरा नहीं हो सकता, ये हीरा डायन समुदाय का है। भक्षानर कहता है, ये हीरा डायन समुदाय का है नहीं था यक्षिणी, एक डायन ने ही मुझे ये हीरा दिया है, जानती है कौन थी वो डायन? यक्षिणी चुप ही रहती है। भक्षानर फिर बोल पड़ता है, वो डायन कोई और नहीं बल्कि चित्रा थी। भक्षानर की डरावनी हंसी फिर एक बार कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी को तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चित्रा ने ही भक्षानर को वो हीरा दिया था। कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं चित्रा ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो तो खुद तुझे मारना चाहती थी, फिर वो भला अपना ही हीरा तुझे क्यों देगी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।